क्या हाल चाल है आपके। मैं आशा करता आप लोग सब कुछ बढ़िया होंगे। और जो आपका दोस्तों जो लास्ट वीडियो पर रिस्पॉन्स हुआ मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ऐसी वीडियोस में और देते रहूं। तो बेसिकली दोस्तों आज का वीडियो जो होने वाला है वो भी एक फ्रंट रस्ट का सेटअप है, जिसमें हम लाइट्स वगैरह लगाएंगे और लोकेशन काफी अच्छी है। वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल डीजे स्टैंडिंग इंडिया पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन देखने को मिलेगा, उसको देखकर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि साउंड और लाइट से रिलेटेड ऐसे कई अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। मेरा नाम है विशाल, आप देख रहे हैं डीजे स्टैंडिंग इंडिया। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भैया जैसे कि देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा आईसर में माल लोड हो रहा है जो कि प्रोग्राम पे जाने वाले हैं। और हमारे आज की लोकेशन जो है ये है नर्मदा नदी के किनारे जो कि महेश्वर में है। आपको मैं लोकेशन भी अभी आगे चल के दिखाऊंगा पूरी। पहले माल सारा अनलोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लोकेशन भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारे महेश्वर का किला जो कि जिसके साइड में सामने ही यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, स्टेज लगा है, यहीं पर हमको ट्रस लाइट वगैरह सब कुछ लगाना है। और दोस्तों जो साउंड में जो स्पीकर्स यूज़ होने वाले वो है RCF के HDL 20, अभी रख रखे हैं यहाँ पर, लगाना बाकी है। तो ये पावर लाइनर है बेसिकली दोस्तों, इसके अंदर एम्पलीफायर भी इसके अंदर ही आता है, जैसे कि देख सकते हैं ये पूरा सिस्टम है। और दोस्तों ट्रस ऑलमोस्ट खड़ा हो चुका है, बीम पूरा कंप्लीट है, बस पिलर्स को खड़ा करना बाकी है। ट्रस ऑलमोस्ट लग गई है, इस पर फटाफट लाइट और साउंड का काम चालू करते हैं। फिर शाम को एक टेस्टिंग डे प्रोग्राम कल के दिन है, तो इसलिए इतना कोई रश नहीं आज काम का। जैसे कि देख सकते हैं ट्रस लग गया है पीछे, अब फटाफट इस पर लाइट और साउंड की स्टार्टिंग करते हैं, मतलब लगाना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स ट्रस के ऊपर लाइट्स लगना चालू हो गई है। एक्चुअली में धूप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं भी रिकॉर्डिंग कर नहीं पा रहा था ठीक से, लेकिन फिर भी आपको मैं बीच में रोक के मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि अभी सारी शार्पीज हैंग कर दी है और ऑलमोस्ट हमारा सब लाइट्स का काम हो गया है। साउंड जो लाइनरेज होती है उनके लिए चेन ब्लॉक अलग से लटका दिए गए हैं, क्योंकि वो पावर लाइनर है तो उसको बैकअप के लिए ट्रस नीचे ना करना पड़े, इसलिए चेन ब्लॉक इसमें अलग से लगा लिए जाते हैं। और हमारा ट्रस अब ऊपर हम कर रहे हैं फटाफट, और अब लाइनरेज इस पर टंग जाएगी जल्दी ही। हमारा लाइट्स का सेटअप तो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको पीछे से जैसे कि देखने को मिल रहा होगा बैक स्टेज का लुक, जिसमें लाइनरेज वगैरह सब कुछ टंग चुकी है, हैंग हो चुकी है। आपको मैं फ्रंट स्टेज से भी दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे SRX सब्स के साथ में HDL 20 लाइनरी का यूज़ करा गया है। और दोस्तों ये साउंड इनफ है, और साइड फिल्म में SRX 725 ही यूज़ होगी। मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं चीज़ों का। ये लाइनरें कैसे लगी है और सब्स कैसे लगे हैं, चार सब्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं और 12 HDL 20 लाइनरें यूज़ हुई है। ओवरऑल हमारे स्टेज का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अब एक बार पूरा आपको मैं सब कुछ बता देता हूँ क्या क्या लगा है यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे 6 और 6 12 पीसेस लगे हैं HDL 20 लाइनरें के है, 4 सब्स मतलब 2 पेयर लगे हैं SRX 728 बेस के, साइड फिल्म में 4 टॉप्स यूज़ होने वाली है SRX 725 की, और मॉनिटर्स में है VRX 915M मॉनिटर। और दोस्तों ये है हमारी माँ नर्मदा जिसके किनारे हमारा कार्यक्रम होने वाला है। तो दोस्तों सब चीज़ें कंप्लीट हो गई है, अब बस आपको मैं डायरेक्ट टेस्टिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी दिन का टाइम है। मैं डायरेक्ट आपको नाइट वाली जो टेस्टिंग जो प्रोग्राम चल रहा रहेगा वो चीज़ें दिखाने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। दोस्तों हमारा प्रोग्राम ऑन टाइम स्टार्ट हो रहा है, ऑन टाइम एंड हो गया है। गवर्नमेंट का काम है तो ऑन टाइम सब कुछ चीज़ें होती है। लाइनरें वगैरह सब नीचे आ गई है आपके सामने, सब चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। लाइनरें फटाफट हम खोल लेंगे, उसके बाद में हम ट्रस और लाइट्स का काम लगाएंगे। तो ये हमारी HDL 20 सब नीचे आ गई है, और दोस्तों सब चीज़ें लाइट वगैरह सब खुल गई है, बस अब ट्रस का खोलना बाकी है। ट्रस को खोल के फटाफट से गाड़ी में लोड करते हैं, रात भी काफ़ी हो गई है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।